हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बैगन का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप रोटी और पराठों के साथ खाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके पहले आपने ट्राई भी नहीं करा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बैगन, 4 से 5 पीसेज, आप बड़े वाले जो गोल गोल होते हैं ना, वही आपको लेना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बैगन को लेंगे और इसे अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेंगे और इसे बीच से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और अब हमने इसके जो बीच में थोड़ा सा रहता है ना, उसे हम निकाल लेंगे नाइफ़ की हेल्प से, चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। आप इस तरीके से कट करिए, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, या फिर कोई स्पून ले लीजिए, स्पून से भी अच्छे से निकल जाएगा। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने पहले कभी नहीं ट्राई करी होगी, ज़रूर बना के देखिएगा। तो लीजिए, निकल गया। तो आपको ये जो बीज का निकल रहा है ना, उसे फेंकना नहीं है, उसका भी हम यूज करेंगे। चलिए फटाफट हम सारा निकाल लेते हैं इसमें से। तो बस इसी तरीके से एक चम्मच ले लीजिए, उसी से सारा निकाल लीजिए। थोड़ा सा उसमें इसे कटोरी जैसा बनाना है, ताकि इसमें हम कुछ स्टफिंग डालेंगे। तो चलिए दूसरा वाला भी देखिए, चाकू से तो इस तरीके से हुआ, बट स्पून से आप करिएगा तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो गाइस, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है, और जो बीच का बचा था, थोड़ा सा स्पंज टाइप में रहता है, उसे हम बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा ये डार्क हो जाता है चाकू लगाने के बाद, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो चलिए, इसे हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आप चॉपर से या फिर किसी चाकू से इसे बिल्कुल बारीक कट करके एक बाउल में रख लीजिए। तो इन सभी को मैंने इकट्ठा कर लिया, और अब आगे के प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लीजिए, या फिर कोई ऐसे फ्लैट वाला बर्तन हो आपके पास, उसे रख दीजिए गैस पर, और उसमें डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच तेल। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने, और अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चों को खिलाना हो तो थोड़ी सी हरी मिर्ची कम डालिए। एक प्याज थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा गुलाबी हो जाए प्याज। तो हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि लगभग 1.5 चम्मच है। थोड़ा सा इसका मात्रा ज़्यादा रहेगा तो हमें अच्छा लगेगा। और अब हम इसमें जो भी आपके फ्रिज में रंग बिरंगी सब्जियां हो, जो कि अक्सर आप यूज करते हैं, गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, बीन्स हुए, मटर, जो भी आपको पसंद आए उसे डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने बैगन के एकदम सॉफ्ट करके कट करके रखे थे, उसे भी डाल देंगे पूरा। तो चलिए, अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करते हैं, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पर हम लास्ट में डाल देंगे टमाटर। टमाटर को डालने के बाद आप इसे अच्छे से भुनिए। तो यहाँ पर मैंने रखा था थोड़ा सा बॉइल्ड आलू था, इसमें मैंने धनिया कट करके रखा था, उसे डाल देंगे। आप उबले आलू को डायरेक्ट थोड़ा सा पहले उबाल के रखेंगे तो उसमें पानी नहीं रहता, थोड़ा ड्राई हो जाता है, तब उसे मैंने डाल दिया है। और इसमें हम डाल देंगे पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, नमक और थोड़ा सा खटाई यानी कि अमचूर पाउडर, जो लगभग 1 चम्मच डाल दीजिए, खट्टा हो जाएगा उतने में। पाव भाजी मसाला डालिए, अगर ना हो तो आप गरम मसाला डाल लीजिए, जो रेगुलर बेसिस आप सब्जियों में यूज करते हैं, या फिर मैगी मसाला, वो भी टेस्टी लगेगा। तो इन सभी को आप अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, और जब ये ठंडा हो जाए तो हम लेंगे बैगन से बनी हुई कटोरियाँ। अब इस स्टफिंग को हम इसमें भरेंगे। तो चलिए, अब हम इसे पूरा फिल कर लेते हैं। तो हमने इसे भर लिया है, एक एक कटोरी आपको इस तरीके से भर लेना है पूरे में। बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो
चलिए इसी तरीके से सारे कटोरियों को, बैगन वाली कटोरियों को हम भर के रेडी कर लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है और अब हम इसे एक पैन, उसी वापस से उसी पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें एक एक करके बैगन को रख देंगे और एकदम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। तो बस इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और अब हम इसे एकदम अच्छे से कवर करना है, किसी भी तरफ से इसमें से भाप ना निकलने पाए। और बस इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर, या फिर और ही कम टाइम लगेगा आपको, इतने में ही आपका रेडी हो जाएगा। आप बीच बीच में चेक कर लीजिएगा कि नीचे लगे नहीं। तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है एकदम अच्छे से। और मैं अब आपको इसे पलट कर दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, अभी गर्म है ये। तो हम गैस को बंद कर देंगे और ये है हमारा रेडी स्टफिंग बैगन का, स्टफ्ड बैगन या फिर स्टफ्ड ब्रिंजाल, जो भी आप कहें। और बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है, बिल्कुल ही अलग तरीके की। आपने बैगन के भरे हुए सब्जियां बहुत खाई होंगी, तो बस अब आप इसे इसे भी ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है ये आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब।